दिमाग में चलने वाली छोटी आवाज के बारे में और कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, जो छोटी आवाज जो चिक 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 काव 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 दिमाग में चालू है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि वो जो छोटी आवाज है उसको महत्व देने का नहीं है, वो आप नहीं हो। ये आपको पहले प्रैक्टिस करनी, बार 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 करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि वो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है, एटीएम है, और वो एक अंदर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है ऑनगोइंगली, और वो आप नहीं है। आपको ये देखना है कि वो आप नहीं है, आप अलग है और आपकी छोटी आवाज जो चल रही है वो अलग है, और वो छोटी आवाज ने आपके परिस्थितियों को, आपका जो सिचुएशन है, आपके लोग है, उसको कलर नहीं करना चाहिए, उसको रंग नहीं भरना चाहिए लोगों में, वहां से नहीं देखना चाहिए लोगों को। वो छोटी आवाज ने लोगों के ऊपर रंग नहीं भरना चाहिए, सिचुएशन के ऊपर रंग नहीं भरना चाहिए, या आपको एक्शन लेते उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए छोटी आवाज का। और आपको ये देखना है कि छोटी आवाज को महत्व नहीं देते हुए आप जो जवान दे रहे हैं उसको महत्व देने का है। आपने जो जवान दी हुई है कि नहीं मैं कल सुबह उठ के एक्सरसाइज करने वाला हूँ, या मैंने जवान दिया है किसको, मुझको, कि मैं कल सवेरे 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करने के लिए घूमने जाने वाला हूँ या दौड़ने जाने वाला हूँ, ये मेरा शब्द है। फिर सुबह उठने के बाद में फिर नहीं छोटी आवाज़ चालू करेंगे तो उसका सुनना कि नहीं आज के दिन जान दे, कल तो बहुत लेट हो गया था, अभी आज तो बहुत काम है, फिर भी सो जाओ, आधा घंटा सो जाओ और 1 घंटा सो जाओ, वो छोटी आवाज़ का सुनना नहीं, उसको बोलना शट अप, मुझे मेरा काम करने दे, क्योंकि मैंने जवान दी हुई है कि मैं सवेरे एक्सरसाइज करने के लिए जाने वाला हूँ। वो जो छोटी आवाज़ है उसको सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलना ही है। आप कहीं शादी में जाते हो, आप कहीं पार्टी में जाते हो, आप कहीं किसके यहाँ जाते हो, चालू हो जाता है, और फिर आप किसको तो बुला लेते, बोलना इधर इधर आज, फिर वो बोलेंगे अरे वो इधर है ना, ये बराबर नहीं है, ये आइटम बराबर नहीं, देखो वो कैसा दिख रहा है, देखो वो फलाना कैसा कर रहा है, देखो वो कैसा इगोइस्टिक आदमी, चालू हो जाएंगे वो। उसको कुछ ना कुछ हर जगह कुछ ना कुछ बोलना ही है, अपने आप से बोलेंगे या फिर आप लोगों के साथ में वो निकालेंगे। ये छोटी आवाज के बंधन में आप, और आपको अभी उसके ऊपर महारत हासिल करना है कि भाई ये जो छोटी आवाज है, ये छोटी आवाज, ये छोटी आवाज है, और आखिर मुझे किसको ऑनर करना है, किसको मुझे मान सम्मान देना है, तो वो मुझे मेरे शब्द को मान सम्मान देना है। वो एक ऑटोमेटिक चलने वाली अंदर की आवाज़ है। तो ये आप एक बार सीखने जाएंगे, इसकी एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी असामान्य जीवन, अति सामान्य जीवन आप जी सकते हो। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।